हेलो एंड वेलकम टू ईडी एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड के बारे में देखेंगे, जो कि है मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मेनली हम इंडिया का फिजिकल फीचर देखेंगे, इंडिया किन चीज़ों से मिलकर बनता है। आपको याद रखना है कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट इसका क्या मतलब है? सब कॉन्टिनेंट का आप वर्ल्ड में बात करोगे तो 7 कॉन्टिनेंट आपको मिलेंगे, बट इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं बिकॉज इंडिया की जो डिस्टिंक्ट लोकेशन है और इंडिया की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन, इसके कारण इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट बुलाते हैं। इन अ मैप हियर यू कैन सी ट्रांस हिमालय। ओके, जो हिमालय है ये कंप्लीट रीजन पर फैला हुआ है और यहाँ पर आपको इंडिया की कोस्टल लाइन दिख जाएगी, जो बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है। यहाँ राजस्थान के एरिया से, गुजरात के एरिया से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर आपको कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है ना, आंध्रा, बंगाल, बंगाल तक आपको फैली हुई ये कोस्टल लाइन मिल जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हिमालय भी वेरियस सेक्शन में डिवाइड है। ये आपको मिलेगा, यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय मिल जाएगा और यहाँ तक हिमालय जो है फैला हुआ है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको लोअर हिमालय, हायर हिमालय भी मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब होते हैं, हम आगे दूसरे शब्दों में इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इंडिया की जो डिस्टिंक्स लोकेशन है इन टर्म ऑफ जियोग्राफी, यहाँ पर आप देख सकते हो डेजर्ट मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको गंगेटिक प्लेन्स मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। ये लोकेशन जो है आपको डेफिनेटली याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, डेजर्ट कहाँ पे है। जैसे कि जो गंगेटिक लेंथ है या गंगेटिक प्लेन्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेंट्रल हाईलैंड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट आपको याद रखना है। इंडिया की यदि हम मैप में ड्रॉ करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके, तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिल रहा है आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें तो वेस्टर्न घाट यहाँ पर मिलेंगे आपको केरला के आसपास, केरला है, ठीक है। और इस कम्प्लीट रीजन को जो कोस्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और यदि केरला के पास जो ये एरिया है उसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट लाइन हम बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और यदि और बात करें तो इंडिया जो आइसलैंड पे, दो आइसलैंड हैं है ना, आइसलैंड, जैसे कि आइसलैंड क्या होता है, मेनली छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, टापुओं का ग्रुप होते हैं। लक्षद्वीप आप यहाँ पर वेस्टर्न साइड में देख रहे हो एंड अंडमान और निकोबार मिल जाएगा आपको ईस्टर्न साइड में। और इसके अलावा यहाँ से कंट्रीज कुछ हैं जो कि जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम, कंबोडिया है, ये कंट्रीज़ कहलाती हैं मेनली साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना। यहाँ पर 10 मेंबर स्टेट हैं, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा आपको माउथ ऑफ गंगा यहाँ पे मिलेगा एंड बे ऑफ बंगाल। और ये जो एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्रा का जो एरिया ये है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और याद रखना है आपको ये ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है और ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाएगा। इसके अलावा यदि हम इनकी बात करें, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, तो ये छोटे छोटे आइसलैंड से मिलके बने हैं। इनको जो छोटे छोटे आइसलैंड से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोपेलगी। ओके, आपको याद रखना है आर्कियोपेलगी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडिया के पास क्या है, एक वेरी वास्ट नेटवर्क है। वेरी वास्ट नेटवर्क का क्या मतलब, इंडिया की जो जियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब इंडिया की बात करें तो 6 आपको यहाँ पे सीजन्स मिल जाएंगे, जैसे रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, ओके, समर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है। इस तरीके से आपको 6 यहाँ पर सीजन्स मिल जाएंगे। सो कैन यू इमेजिन इट, हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी, है ना, इट विल बी, ये कितना खूबसूरत होता होगा जब ये सीजन्स कन्वर्ट होते हैं इंडिया की। इसके अलावा यदि हम बात करें, इंडिया हैज़ वेरी पॉसिबल लैंडस्केप। जो इंडिया के लैंडस्केप है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एवरी पॉसिबल है, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, चाहे आपको विंटर हो या समर हो, जो भी चीज़ें हैं सभी मिल जाएंगे। थार मिल जाएगा, थार डेजर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आइस फिर ढके हुए एरिया मिल जाएंगे, जैसे कश्मीर का एरिया है ना, जहाँ पे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ रहती है। नॉर्दर्न एरिया की बात करें, आगे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको कोल्ड माउंटेन मिल जाएंगे, डेजर्ट मिल जाएंगे, वास्ट प्लेन्स मिल जाएंगे, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेट्यू मिल जाएंगे, वाइड सी शॉर्ट्स मिल जाएंगे एंड ट्रॉपिकल आइसलैंड भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस कारण इंडिया को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कवर एवरी टेरेन। जो टेरेन है, टेरेन का मतलब क्या होता है, स्थिति होता है, लोकेशन होता है। ओके, तो इंडिया में क्या है, सभी जो वर्ल्ड में पॉसिबल लोकेशन है, जो टेरेन है, वो इंडिया पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली 6 डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो 6 डिस्टिंक्ट फीचर हैं जो कि अन अदर किसी कंट्री के पास नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिमालयन माउंटेन, ये कम्प्लीटरी एरिया आपको हिमालयन माउंटेन से ढका हुआ मिल जाएगा।
उसके अलावा यदि बात करें तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडियन डेजर्ट मिल जाएगा, ये इंडिया डेजर्ट जो राजस्थान एरिया पर लोकेटेड है। उसके अलावा पेनिफुलर प्लेटियो मिल जाएगा, ये रीजन कंप्लीट रीजन जो है येलो कलर में दिख रहा है ये पेनिसुलर प्लेटियो है। एंड कोस्टल एरिया की बात हम डेफिनेटली कर चुके हैं, ये कंप्लीट एरिया है ना, जो कि यहाँ बॉम्बे मुंबई से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर आपको बे ऑफ बंगाल रीजन तक मिल जाएगा। उसके अलावा आइसलैंड की भी हमने यहाँ पर बात की थी, द्वाइसलैंड स्टेट को हमने देखा था यहाँ पर आपको, यूनियन टेरेटरी को देखा था, ये कौन सा था आपका लक्षद्वीप था, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ईडी एक्सप्लेन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एज यू नो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैज़ बीन अपलोडेड, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देख लिया होगा, सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर बात करेंगे, आपने यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, हमने स्टार्टिंग में देखा था इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सी जियोग्राफिकल पोजिशन है, बहुत से जियोग्राफिकल चेंजेस आते हैं, वेरी टू वेरी करते हैं ना, एरिया वाई वेरी करते हैं, विथ वेरिड लैंडफॉर्म, वेरियस लैंडफॉर्म के बारे में हम जाना था, वेरिड लैंडफॉर्म का, वेरियस लैंडफॉर्म का क्या मतलब है, आपने प्लेन्स देखे होंगे है ना, जो समतल प्लेन्स रहते हैं, इक्वल प्लेन्स रहते हैं। उसके अलावा आपने हिली एरिया को देखा होगा, हिली रीजन जहाँ पर आपको ये नैरो स्ट्रिप, हम जो यहाँ पे कोई रिवर निकल रही है और यहाँ पे आपको ऐसे माउंटेंस दिख जाएंगे और छोटे छोटे यहाँ पे टॉल ट्री आपको यहाँ पर दिखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप किस टाइप की टेरेन में रहते हो, मतलब किस टाइप के एरिया में रहते हो। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स, क्या आप प्लेन्स में रहते हैं, यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेस ऑफ प्लेन, मतलब आप यदि प्लेन एरिया पे रहते हो तो आप समतल एरिया को देखे होगे जहाँ पर सभी कुछ क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, आपको कहीं पे टॉल बड़े ट्री दिख जाएंगे है ना, इस तरह का जो एरिया होता है उसको हम प्लेन एरिया बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इन कॉन्ट्रेस्ट, आगे बात की जा रही है, इफ़ यू लिव इन हिली ए रीजन, यदि आप हिली रीजन में रहते हो, हिली रीजन की अभी हमने बात की थी जहाँ पे छोटे छोटे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, उसके अलावा ट्रीज़ बहुत से मिलेंगे, वो हिली रीजन कहलाएगा, जैसे कश्मीर का जो रीजन है, ठीक है, कश्मीर का जो रीजन है वो हिली रीजन कहलाता है। द रग्ड ट्रेन विथ माउंटेन एंड वैली आर कॉमन फीचर, मतलब जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे आपका माउंटेन्स मिलेंगे और वैली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वैली का क्या मतलब होता है, यही जो छोटे छोटे आपको माउंटेन्स दिखेंगे वो वैली कहलाएंगे, वैली। और आपको समझो यहाँ पे रिवर निकल रही है, कुछ यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे ट्री बहुत से हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, ये आपका वैली कहलाएगा। माउंटेन्स जैसे हिमालय माउंटेन्स है, ये कैटेगरी में आते हैं, आर कॉमन फीचर, ठीक है, जो हिली एरिया होते हैं उन माउंटेन एंड वैली जो होते हैं वो कॉमन फीचर हैं। आगे देख लेते हैं, इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ पार्टिकुलरली, हमारी जो कंट्री है उसमें क्या है, पार्शली ऑल मेजर फिजिकल फीचर, सभी फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेंस भी आपको मिल जाएगा, प्लेन्स भी मिल जाएंगे, डेजर्ट भी मिल जाएंगे, हमने डायग्राम में देखा था ना इन सभी एरिया को, प्लेटियो भी मिल जाएगा, और आइसलैंड लक्षद्वीप और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो भी आपको मिल जाएंगे। यू मस्ट बी वंडर्ड हाउ दीज फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म्ड, अब ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि ये फिजिकल फीचर्स जो हैं इंडिया के ये कैसे फॉर्म हुए। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फीचर, जो मेजर फिजिकल फीचर हैं इंडिया के उनके बारे में हम डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे। वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, जो रॉक है, जो चट्टाने हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, सम आर वेरी हार्ड, कुछ चट्टाने बहुत हार्ड होती हैं, जैसे कि मार्बल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। उसके अलावा विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल, जो ताजमहल आपने डेफिनेटली देखा होगा जो आगरा में लोकेटेड है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, ताजमहल जो है वो मार्बल चट्टानों से मिलकर बनाया गया है। एंड सम आर रॉक्स, कुछ रॉक फैफी होती हैं जो कि क्या होती हैं, वेरी सॉफ्ट होती हैं, लाइक सॉफ्ट स्टोन है ना, विच इज़ यूज टू मेकिंग टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर का मतलब होता है जो बेबी पाउडर आपने देखा होगा है ना, हिमालय वगैरह का जो होते हैं पाउडर जो होते हैं जिनको फेस में यूज़ किया जाता है वो कहलाते हैं टेलकम पाउडर। आगे बात करते हैं, द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्राम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है, मतलब कि जो प्लेस है, मतलब कि लाइक वाइज सॉइल है, ओके, और सॉइल के जो कलर हैं लाइक कैसे मिलेंगे आपको, ब्लैक मिलेंगे है ना, और इसके अलावा आपने मुल्तानी मिट्टी का डेफिनेटली नाम सुना होगा, इसके अलावा भी बहुत सी वेरियस कलर के सॉइल जो होती है वो हमें रिसीव होती है, वो क्या करती है, वेरी टू वेरी, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स की मिट्टी जो होती है सॉइल वो पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं,
टू द अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन रॉक से ही होता है, आपको याद रखना है. हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉज ऑफ दिस वेरिएशन, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, ये कैसे फॉर्म हुए होंगे. मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशन आर कॉज ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन, मतलब रॉक फॉर्मेशन में जो डिफरेंसेस आए, जब रॉक का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब चट्टाने का फॉर्मेशन हो रहा था, तब उनमें जो डिफरेंस आए, जो उनके डिस्टिंक्ट फीचर थे, उनमें जो डिफरेंस आए, इसके कारण जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन हुआ और उसके कलर अलग अलग हुए. इंडिया इज़ अ लार्ज लैंडमास. इन टर्म ऑफ लैंडमास इंडिया जो लाई करता है वो 7th नंबर पे लाई करता है. प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया था. और इन टर्म ऑफ लैंड सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, रशियन फेडरेशन है, जो इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है. हम आगे देखते हैं. इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड. जियोलॉजिकल पीरियड का क्या मतलब है, समझो 10,000 मिलियन ईयर एगो है ना, एंड 1,000 मिलियन ईयर एगो, इन सभी जो बहुत फेफाल में क्या होता है, जो जियोलॉजिकल पीरियड है वो चेंजेस होते हैं और जो लैंड मास है वो भी वेरी करता है. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको एलेबरेट करती है कि कैसे जो इंडिया है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट बना और एशिया से कैसे मर्ज हुआ. अभी भी इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बारे में हम डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे कि इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे हिमालय जो है वो लगातार उसकी हाइट बढ़ती जा रही. करंट यदि बात करें तो 8,848 किलोमीटर सबसे ऊँची चोटी है. आगे हम बात करते हैं मेनली जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि वेदरिंग क्या है, ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा रेन हो रही, उसके अलावा इरोजन कितना हो रहा है. इरोजन आप समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा, समझो ये आपकी रिवर है, ओके, और इसके आसपास जो एरिया है, ये जो सॉइल है, ये क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली इरोज हो रही है, मतलब कि जो यहाँ पर है वो जो इसका एरिया है, रिवर का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर रहा है और सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी में मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं इरोजन. एंड डिपोजिशन, और डिपोज के कारण ही, मतलब जो डिपोजिशन हुआ इसके कारण भी कंट्रीज़ और लैंड मास जो हैं वो अलग अलग होते चले गए. आगे यदि हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ, हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रियल प्रेजेंट डे, और इन सभी रीजन की वजह से, जैसे कि वेदर है, इरोजन है और डिपोजिशन है, इन सभी की वजह से प्रेजेंट डे मॉडर्न डे हमारा जो इंडिया है इस तरह का है, जिसमें वेरियस डिस्टिंक्ट फीचर हैं जिसको ऑलरेडी हमने कवर किया है इन शॉर्ट टर्म. आगे हम इसका लॉन्ग टर्म ज़रूर देखेंगे. अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर, मतलब अर्थ साइंटिस्ट कौन है, जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर. जो अर्थ के फिजिकल फीचर है या किसी कंट्री के जो फिजिकल फीचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, जैसे कि इन सभी में से एक जो हेड थ्योरी है जो सबको लीड करती है, जिसके बारे में एविडेंस मिलता है, वो कौन सी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, द क्रस्ट. क्रस्ट क्या होता है, अर्थ का जो सबसे अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट. उसके बाद आपको मिलेगा मेंटल और देन आपको सेंटर में मिल जाएगा कोर, ओके. आगे बात करते हैं, जो द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ द 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेन्स. इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का अपर पार्ट है, क्रस्ट है, वो किससे मिलकर बना है, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेन्स. माइनर प्लेट का क्या मतलब है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गई, जो यूरोप की जो प्लेट है उसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट है. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इनके बारे में हम आगे डायग्राम में ज़रूर देखेंगे. यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो क्लियरली कुछ प्लेट्स आपको दिख रही हैं, जैसे कि ये हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट्स हो गया, अफ्रीकन प्लेट्स हो गया, यूरेशियन प्लेट्स हो गया, और आपको यहाँ पर मिलेगा इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट, है ना. मतलब यूरेशियन प्लेट क्यों बोलते हैं, इंडियन, ये मिलेगा इंडिया सब कॉन्टिनेंट आपको. यूरेशियन प्लेट में आप देखोगे आपको यूरोप भी मिल जाएगा और एशिया भी मिल जाएगा, ओके. इस कंप्लीट रीजन को हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट. और यहाँ पे आपको पैसिफिक प्लेट मिलेगा, जस्ट अ मिनट, या यहाँ पे आपको पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कुछ डायग्राम आपको ऐसे मिलेंगे कि इंडिया जो है कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्दर्न हेमस्फीयर की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा. पहले बात की जाती है तो इंडिया के यदि मैप में ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, मतलब अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इंडिया आपको मिलता सदर्न हेमस्फीयर में, बट करंटली इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है.